मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर, इन दोनों फ़नकारों के जीवन से जुड़े हुए कई खूबसूरत किस्से हैं। रफ़ी साहब बहुत सरल इंसान थे, उनके भोलेपन के कई किस्से मशहूर हैं। आज हम बात करेंगे ऐसा ही एक किस्से के बारे में। किस्सा कुछ यूं है कि एक बार महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन मोहम्मद रफ़ी को आकाशवाणी केंद्र से प्रोग्राम का न्योता आया था। तब मोहम्मद रफ़ी ने महेंद्र कपूर से उनके साथ आकाशवाणी केंद्र चलने के लिए कहा। महेंद्र कपूर को रफ़ी साहब का फ़ोन आया, कहने लगे, आज क्या कर रहे हो तुम? तो महेंद्र कपूर बोले, भाई साहब आज कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो रफ़ी साहब ने कहा, आज शाम को मेरा प्रोग्राम है ऑल इंडिया रेडियो में, तुम चलो साथ। तब महेंद्र कपूर ने कहा, ठीक है चलिए। महेंद्र कपूर उस दिन खाली थे, इसलिए उन्होंने सहमति जता दी। दरअसल उस दिन गांधी जी की पुण्यतिथि थी और इसलिए छुट्टी का दिन था। मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर आकाशवाणी केंद्र पहुँचे तो रफ़ी साहब ने वहाँ गाया और महेंद्र कपूर ने साथ में तानपुरा बजाया। प्रस्तुति के बाद जब दोनों दिग्गज वापस जाने लगे तो वहाँ मौजूद कई युवा संगीत प्रेमियों ने रफ़ी साहब को घेर लिया। ये सभी मोहम्मद रफ़ी का ऑटोग्राफ चाहते थे। सभी ने कहा, वी वांट योर ऑटोग्राफ। तो रफ़ी साहब महेंद्र कपूर को पूछने लगे, ये क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं मुझसे? क्योंकि रफ़ी साहब ऑटोग्राफ नाम की चीज़ से अनजान थे। उधर महेंद्र कपूर को भी ऑटोग्राफ के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो भी उन दिनों स्कूल में पढ़ते थे। तब महेंद्र कपूर ने सभी युवाओं को पूछा, What do you want? तो कहने लगा, We want his signature. फिर महेंद्र कपूर ने रफ़ी साहब से कहा, प्राजी ये आपका ऑटोग्राफ यानी साइन चाहते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब इतने भोले थे कि उन्होंने महेंद्र कपूर से कहा, अच्छा एक काम कर, तू ही दे दे फिर। महेंद्र कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी गुरु थे, वह गुरु की बात कैसे टालते? उन्होंने तब सभी युवाओं के कागज पर मोहम्मद रफ़ी लिख दिया, फिर सभी चुप करके चले गए। एक इंटरव्यू में महेंद्र कपूर यह किस्सा सुनाते वक्त कहते थे कि रफ़ी साहब इतने सीधे थे, उनको कुछ पता नहीं था कि मुझे लिखना चाहिए या किसको लिखना चाहिए। बस ऐसे इंसान थे रफ़ी साहब। उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में ये भी कहा था कि रफ़ी साहब गायक तो था ही बहुत बड़े, लेकिन इंसान भी बहुत बड़े थे। तो आप लोगों को कैसा लगा यह किस्सा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।